उदाहरण दो, अनवर ने अपने घर की छत पर एक घनाकार पानी की टंकी ढक्कन सहित बनवाई, जिसके बाहरी किनारे की लंबाई 1.8 मीटर है। वह इसके आधार के पृष्ठ को छोड़कर शेष सभी पृष्ठों पर 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगवाना चाहता है। यदि एक दर्जन टाइल्स लगवाने में 396 रुपये खर्च होते हैं तो अनवर को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? अनवर को पानी की टंकी के 5 बाहरी पृष्ठों पर 5 टाइल्स लगवानी है इसलिए लगने वाली टाइल्स की संख्या 5 का पता लगाने के लिए इन पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 11 ज्ञात करना पड़ेगा। बच्चों, घनाकार टंकी के बाह्य किनारे की लंबाई हमको मीटर में दी गई है, वहीं टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अतः हमको घनाकार टंकी के जो बाह्य किनारे की लंबाई है उसे हम मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो आइए देखें, घनाकार टंकी के बाह्य किनारे की लंबाई 1.8 मीटर बराबर, बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब हम 1.8 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 180 सेंटीमीटर। इसलिए घनाकार टंकी
के पांच पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 5a² बच्चों a का मान हम रखेंगे तो हो गया 5 × a का मान बच्चों कितना आ गया 180 इंटू 180 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने समीकरण एक दे दिया इसको। अब बच्चों हमारे को जो है वर्गाकार जो टाइल्स हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आइए देखें प्रत्येक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। तो बच्चों हमारे पास वर्गाकार टाइल की एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये हो जाएगा 30 × 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसे हम बच्चों समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। बच्चों अभी हमने घनाकार टंकी के 5 पिस्टों का क्षेत्रफल ज्ञात किया और साथ ही साथ एक टाइल की क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात किया। बच्चों आपने देखा होगा कि गणना करते समय हमने उसको सरल करके एक मान प्राप्त नहीं किया। उसका कारण ये है कि जब हम टाइलों की संख्या निकालने हेतु गणना करेंगे तो ये सभी जो पद हैं वो आसानी से सरल रूप से जो है वो हल किए जा सकेंगे, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, इसलिए हम उसकी प्रारंभ में गणना करके एक मान प्राप्त नहीं करेंगे। तो आइए देखें कि टाइल्स की संख्या हमारे पास क्या आती है। और बच्चों इसलिए टाइल्स की संख्या बराबर, तो बच्चों हमारे पास आ गया यहां पर टंकी के पांच पृष्ठों का क्षेत्रफल बटे या कहें भागित प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल। तो बच्चों हमने आप देखें कि जो हमारा समीकरण एक जिसको हमने नाम दिया था उसमें हमने टंकी के 5 पिस्टों की गणना की थी और वो मान आया था बच्चों 5 × 180 × 180 भागित प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल। बच्चों हमने देखा 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर था। तो बच्चों देखें कि ये जो कैलकुलेशन है वो सरलीकृत होकर कितना आता है, ये आ जाएगा 180। बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन, बच्चों आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे पास 180 टाइल्स हमको प्राप्त हो रही हैं टंकी के, जो घनाकार टंकी हमको दी गई है उसके 5 पिस्टों पर टाइलिंग करने
के लिए 180 टाइल्स की हमको आवश्यकता होगी। बच्चों हमें एक दर्जन टाइल्स के लिए जो खर्च है वो दिया गया है जो कि 396 रुपये है। तो देखें अगली कैलकुलेशन हमारी क्या आएगी, एक दर्जन टाइल्स लगवाने पर खर्च 396 रुपए। इसलिए बच्चों अब हम एक टाइल लगवाने के खर्च की गणना करेंगे। तो बच्चों देखें कि एक टाइल लगवाने का खर्च क्या होगा, एक दर्जन टाइल मतलब 12 टाइल्स। तो बच्चों हमें यह दिया हुआ था कि 12 टाइल का खर्च 396 रुपए है, इसलिए एक टाइल लगाने का खर्च 396/12=33 रुपए। तो बच्चों अब हमारे को टोटल कितनी टाइल्स लगवानी है, 180 टाइल्स लगानी है, इसलिए टाइल्स लगवाने पर खर्च 180 × 1 टाइल की कीमत कितनी है बच्चों, 33 रुपए। तो 180 × 33 जब इसकी हम गणना करते हैं तो बच्चों ये आता है 5,940 रुपए। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो हमने उदाहरण लिया था जिसमें एक घनाकार पानी की टंकी थी जिसकी लंबाई 1.8 मीटर है एक बाहर किनारे की, उसके 5 पिस्टों पर टाइल लगाने का जो खर्च है वो 5,940 रुपये आया। और इस प्रकार ये प्रश्न हल हुआ।